प्राणायाम संस्कृत का शब्द है जो दो शब्दों के मेल से बना है। प्राण का मतलब सांस और आयाम का मतलब नियंत्रण। इन दोनों शब्दों के मेल से बनता है प्राणायाम। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम को जीवन में शामिल करना अनिवार्य है। वहीं प्राणायाम हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, साथ ही कई सारे शारीरिक रोगों से भी राहत पहुँचाता है। प्राणायाम एक विधि है जिसमें हम प्राणों का आयाम बढ़ाते हैं। इसकी मदद से हमारे प्राणों में नियंत्रण बढ़ता है, जिससे हमें शारीरिक के साथ ही मानसिक लाभ मिलता है। योग ग्रंथों के अनुसार प्राणायाम की व्याख्या योग आसनों के बाद की जाती है। साथ ही ग्रंथों के अनुसार प्राणायाम को सुबह और शाम के समय किया जा सकता है, क्योंकि उस समय हमारे प्राणों का स्तर ऊपर होता है, वहीं सुबह के समय ये ज़्यादा लाभ देता है। बात करते हैं कि प्राणायाम होता क्या है। तो अगर हम प्राणायाम शब्द के पे जाएं तो ये है, इसकी जो व्याख्या है वो अलग अलग प्रकार से हो सकती हैं, तो मैं एक प्रकार से इसकी व्याख्या करने जा रहा हूँ। प्राणायाम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। यानी कि प्राणायाम एक ऐसी विधि है जिसमें हम प्राणों के जो आयाम है वो बढ़ाते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्वांटम ऑफ लेवल को हम अपने शरीर में इंक्रीज करते हैं। प्राण जिसको एक ऐसी चीज़ या फिर हम कह सकते हैं ऊर्जा माना गया जो कि ब्रह्मांड में सब जगह व्याप्त है, तो प्राणायाम एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर में प्राणों की जो लेवल है उसे बढ़ाते हैं, जिससे हमें शारीरिक और मानसिक दोनों लाभ होते हैं। अगर योग ग्रंथों की बात करें तो यह आसनों के बाद प्राणायाम की चर्चा की जाती है, अधिकतर जो हठ योग की जो ग्रंथ हैं हमारे। बात करें अगर कि प्राणायाम को किस समय करना चाहिए, तो जो ग्रंथ हैं या फिर जो टेक्स्ट हैं योगा के ऊपर, उनके हिसाब से प्राणायाम को सुबह के समय या शाम के समय किया जा सकता है, जिस समय प्राणों का स्तर ऊंचा रहता है। हालांकि मुख्यतः प्राणायाम को अगर सुबह ही कराया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। प्राणायाम को हम आसनों के बाद और आसनों से पहले दोनों समय कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ग्रंथों की बात करें तो उनमें जो प्राणायाम की चर्चा है वो आसनों के बाद करी गई है। प्राणायाम करने के अनेक लाभ हैं। पहला तो यही है कि ये हमारा जो है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, और हर एक प्राणायाम के कुछ अलग अलग लाभ हैं। मुख्य तौर पर ये हमारी जो जो लंग्स हैं उनकी क्षमता को बढ़ाता है, जिससे हमारी जो है ब्रीदिंग जो है लंबी और गहरी हो जाती है, जिसके अपने ही लाभ हैं। साथ ही साथ हमारा मन शांत होता है, जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है यानी कि जो हार्मोनल सिस्टम है वो बैलेंस में आने लगता है, पाचन शक्ति दुरुस्त हो जाती है, आँखों के लिए अच्छा अभ्यास है, अस्थमा के जो पेशेंट हैं, बीपी शुगर, इन सभी में लाभदायक है। लेकिन हर प्राणायाम को अलग अलग तरीके से और हर प्राणायाम के जो प्रभाव होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सामान्य तौर पर इसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ कि ये सभी इसके लाभ हैं। उत्तराखंड ऋषिकेश से ईशा बिरोरिया, लोकल 18 के लिए।